नमस्कार, मैं महक आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। शिक्षा के प्रसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस में रेडियो की भूमिका को रेखांकित करने के लिए यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया था। यूनेस्को ने 2011 में विश्व स्तर पर रेडियो दिवस मनाने का निर्णय लिया था। 13 फरवरी का दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 13 फरवरी 1946 से ही रेडियो UNO ने रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। विश्व की 95% जनसंख्या तक रेडियो की पहुंच है और यह दूर दराज के समुदायों तक सबसे कम लागत पर पहुंचने वाला संचार का सबसे सुगम साधन है। दिल्ली आज के दिन बनी थी देश की राजधानी। 13 फरवरी 1931 को देश की नई राजधानी के रूप में वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन ने दिल्ली का उद्घाटन किया था। दिल्ली को जब राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार में की गई थी, उस समय दिल्ली पंजाब प्रांत की तहसील थी। दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए निर्माण कार्य प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद तेजी से शुरू हो सका था। राजधानी दिल्ली का ज्यादातर हिस्सा ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने प्लान किया था, इसलिए इसे लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। इससे पहले देश की राजधानी कलकत्ता थी। नादिर शाह ने आज के दिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को किया था पराजित। करनाल के युद्ध में 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह की सेना ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की सेना को हराया था। ईरान से आए नादिर शाह ने हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए पेशावर के सूबेदार को पराजित कर भारत में प्रवेश किया था। नादिर शाह के आदेश पर उसके सैनिकों ने दिल्ली में जमकर लूटपाट की थी। इस दौरान 40,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया गया और अरबों रुपए का खजाना लाल किले से लूट कर ले जाया गया था, जिसमें कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताऊस भी शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने आज के दिन बुडापेस्ट पर किया था कब्जा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ 49 दिन तक चले युद्ध के बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पर 13 फरवरी 1945 को कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में 159,000 लोग मारे गए थे। बुडापेस्ट की घेराबंदी के दौरान सोवियत संघ के सैनिकों ने वियना से जोड़ने वाली एक सड़क पर कब्जा कर शहर की आपूर्ति को बाधित कर दिया था। इसके बाद जर्मन सैनिकों के लिए बुडापेस्ट पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो गया था। आखिरकार कई जर्मन कमांडर और सैनिक बुडापेस्ट छोड़कर भाग निकले और तमाम जर्मन सैनिकों ने सोवियत सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।